జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है. अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे. तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है. आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं. मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए. ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था. कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे. मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा. और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए. और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं. और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है. ये नौजवान, यही मेरा परिवार है. आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है. आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है. आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है. जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है. मेरा भारत, मेरा परिवार. मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा. इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार.
मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने। साथियों, आखिर में मैं तेलंगाना के लोगों को, देश के अन्य लोगों का एक संदेश भी देना चाहता हूं और गर्व से भरे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है। और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। राम लला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 2047-25 साल हमारे पास है, इतनी मेहनत करनी है देश को दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में ला करके खड़ा रखना। हमारे मां बाप को तो मुसीबतों में जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसलिए तेलंगाना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका अपार प्रेम चाहिए। मैं आपका प्यार का भूखा हूं और एक सेवक के नाते आपको समर्पित हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार भारत माता की। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.